राशिद गफार, आज हम आपको दिखा रहे हैं जी शकील जट के वालिद। देख सकते हैं कि जवान औलाद का दुख किस तरह का होता है। शकील जट के जाने के बाद वालिद किस हालत में है। ये शकील जट का डेरा है जी, जो उसकी दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा भी एक डेरा हो, बैठने के लिए जगह हो, जहाँ पे मैं बैठूँ, यारों दोस्तों के साथ बैठूँ। शकील को जानवरों का भी शौक था, ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे उसने जानवर रखे हुए हैं, काफ़ी बड़ा ये उन्होंने बनाया हुआ है। ये उनका शकील का एक डॉग भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ख्वाहिशें हैं जो दिल में ही रह गई और अरमान जो थे वो पूरे ना हो सके। हम सुनाएंगे आपको शकील जट के वालिद की बातें, कितने दुखी हैं और कितना सदमा है उनको बेटे के जाने का। सुने उन्हीं की जुबानी। सारा मुल्क ही होता बिल्कुल। ईद ते कोई जो पिछले साल यानी कि ईद जो मिलता होंगे तो कोई खास गल कोई ऐसा कोई जिंद नहीं अब्बा जी हूँ ईद ऐसा ऐसा ही मनानी है कोई ख्वाहिश हर ईद ते कोई होंगी होवे ख्वाहिश होती होंगी सी भाई ईद निके मुंडे नूं भी बड़े पैसे दे जांदे सानूं भी दे जांदा सी न्याणे नूं भी दे करदा सी अपने भरावां दे नूं ते ईद सारे तो ही नहीं हर जी सारे बंदे दे हां। अच्छा जी, असं देखते हैं कि जो असं पहली दफ़ा आए थे ना उदे नालो हुण तुसी बहुत ज़्यादा बीमार ते परेशान जे लगते हो। सारी गल सदमा तो बहुत आ, ते मुंडा भी ताडा उही सी, सारी दुनिया जी नूं बहुत चाहुंदी सी। बस दुआ ही कर सकते हैं जी, की कर सकते दुआ करनी हो ना करना हो। अच्छा, ये हाथा खाए सी बनाउण दी उसने ही बनाया सी आहो किराल तां लै के बिल्डिंग बनाई दी डेरा बनाउणा चाहुंदा आहो। तो चौधरी इमरान हुणी आए सी ते कि नहीं? नहीं, वो दुबारा टुट गया।